नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 18 अगस्त में घोषित की गई कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में हुड्डा के निवास स्थान पर हुई, मगर इस बैठक में हुड्डा कोई भी निर्णय नहीं ले पाए, जिसकी वजह से ये बैठक बेनतीजा रही। हालांकि कमेटी द्वारा एक प्रस्ताव पास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्णय लेने का निर्णय छोड़ दिया गया, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं इस पर निर्णय लें। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि आज की इस बैठक में कोई बड़ा निर्णय आ सकता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आज ऐसा नहीं हो पाया। बैठक के तुरंत बाद बाहर निकलने के बाद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मौलाना ने क्या कहा, इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट। नहीं, आप सर एक मिनट बेटा, अभी प्रोसेस क्या, एक नॉर्मल तो बता दीजिए पूरा प्रोसेस क्या रहा पूरा। नहीं, एक बार सर क्या ऑथराइज कर दिया आपने? एक सेकंड, एक सर, वन टू वन आप लोगों ने अलग अलग बातचीत की, फिर उनके बाद उनको ऑथराइज कर दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? थैंक यू। कोई तारीख रखी गई है, फैसला कब तक होगा? नहीं, कोई तारीख बताएंगे। नहीं, आप सर एक मिनट बेटा, अभी प्रोसेस क्या, एक नॉर्मल तो बता दीजिए पूरा प्रोसेस क्या रहा पूरा। नहीं, एक बार सर क्या ऑथराइज कर दिया आपने? एक सेकंड, एक सर, वन टू वन आप लोगों ने अलग अलग बातचीत की, फिर उनके बाद उनको ऑथराइज कर दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? थैंक यू। कोई तारीख रखी गई है, फैसला कब तक होगा? नहीं, कोई तारीख बताएंगे। नहीं, आप सर एक मिनट बेटा, अभी प्रोसेस क्या, एक नॉर्मल तो बता दीजिए पूरा प्रोसेस क्या रहा पूरा। नहीं, एक बार सर क्या ऑथराइज कर दिया आपने? एक सेकंड, एक सर, वन टू वन आप लोगों ने अलग अलग बातचीत की, फिर उनके बाद उनको ऑथराइज कर दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? थैंक यू। कोई तारीख रखी गई है, फैसला कब तक होगा? नहीं, कोई तारीख।